महू नीमच हाईवे पर रिंगनोद थाना क्षेत्र के ग्राम माननखेड़ा स्थित टोल नाका परिसर में कार में आग लग गई। हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई, वह बड़ा हादसा होने से बच गया। कार मालिक व उनका साथी आग बढ़ने के पहले ही कार से नीचे उतर चुके थे। कुछ ही देर में कार बुरी तरह जल गई। जानकारी के अनुसार शुक्रवार दोपहर मंदसौर की तरफ से एक कार जावरा की तरफ जा रही थी। मंदसौर सीमा से लगे जिले के ग्राम माननखेड़ा स्थित टोल नाका पार कर पहुंची तो टोल कर्मचारी ने उसके कार के बोनेट से धुआं निकलता देखा। कार में सवार लोगों को जानकारी दी। वे कार टाल नाके के बाहर एक तरफ ले गए, जहां कार ने आग पकड़ ली और कार से लपटे निकलने लगी। टोल पर स्थित आग बुझाने के उपकरणों से आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन आग नहीं बुझ पाई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर जावरा व नगरी की दमकले मौके पर पहुंची। दमकल कर्मियों ने करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक कार पूरी तरह जल चुकी थी। दूरभाष पर चर्चा करने पर टोल मैनेजर दिनेश चंद्रयान ने बताया कि कार टोल नाका पर आकर खड़ी हुई थी। वह कार सवार पर्ची कटवाने वाले थे, तभी टोल कर्मचारी ने कार के बोनेट से धुआं निकलता देखा। उसने कार में सवार मंदसौर के बंटी सोनी व उनके साथी को धुआं निकलने की जानकारी दी। उसने कहा है कि पहले कार एक तरफ ले लो, पर्ची बाद में कटवा लेना। कार को टोल से कुछ दूर ले जाकर खड़ा किया गया। कर्मचारी टोल पर स्थित आग बुझाने के उपकरण लेकर पहुंचे व आग बुझाने लगे। आग बुझती ही उससे पहले ही ऑयल निकल कर गिरा, जिससे आग बढ़ गई व टायरों ने भी आग पकड़ ली। टायरों के आग पकड़ते ही ऊंची ऊंची लपटें निकलने लगी और आसपास खड़े लोगों को भी दूर होना पड़ा।